हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज की सेशन में 27 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। डेली बेसिस से मैं आपको फ्री में प्रैक्टिस करा रही हूँ। डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोज अवेलेबल है। मैंने थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाया हुआ है एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चैप्टर वाइज कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में 79 वीडियोस का प्रैक्टिस बीपीएससी टीआई 2 में कराया हुआ है। वो सभी वीडियोस आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर वाइज कराया गया है। और मैं 2024 फिजिकल एजुकेशन की सेशन में 73वां वीडियो है दोस्तों प्रैक्टिस से, जो और फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन 23 जून 1894 में पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर पियरे डी कुबर्टिन ने इसकी स्थापना किया था। एंड इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। एंड इसके प्रथम अध्यक्ष थे आईओसी के बाई क्लास, वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाग जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य नहीं रहा है? तो दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का पूछने का मतलब है कि कौन सा ऐसा भारतीय है जो आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य नहीं रहा है। तो सर दुराबजी टाटा रहे हैं, जीडी सोंदी भी रहे हैं जो एशियन खेल के पितामह हैं, एस रणधीर सिंह भी रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में 21 वर्ष में ओलंपिक खेल रद्द नहीं किए गए? तो सबसे पहले हम देखेंगे रद्द कब कब किए गए। तो दोस्तों, 1916 में छठा ओलंपिक प्रथम विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ, और 12वां 13वां यानी 1940-1944 जो ओलंपिक खेल है वह द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ। यानी 1916-1944 यह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण खेल ओलंपिक नहीं हो पाया। तो यहाँ पे 1912 आपका राइट होगा कि खेल कब रद्द नहीं किया गया, तो 1912 में कब कब किया गया, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 1916-1944 में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह संपन्न नहीं हो पाया। जबकि प्राचीन ओलंपिक खेल ऐसा होता था कि कोई भी समस्या हो लेकिन ओलंपिक जरूर होता था, लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल में अगर कोई आपत्ति ऐसा आता है प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, 1916-1944 ओलंपिक नहीं हुआ यानी रद्द हो गया। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों के लिए दिनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों, 16 दिन होती है, आप सबको पता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की समाप्ति अनुष्ठान के दौरान निम्न में से कौन सा झंडा यहाँ पे नहीं फहराया जाता? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। सबसे पहले देखिए कि आपके जब ओलंपिक समापन होता है दोस्तों, उसके पहले, समापन से पहले पुरस्कार वितरण होता है, जिसमें सबसे पहले 3 स्थान को विजय मंच पर लाया जाता है। प्रथम खिलाड़ी को बीच में रखा जाता है, प्रथम जो स्थान पर लाया जाता है, द्वितीय स्थान वाले को दाएं तरफ और तृतीय वाले को बाएं तरफ रखा जाता है। फिर विजेता के देश का ध्वज वहाँ के राष्ट्रगान की धुन के साथ फहराया जाता है। उसके बाद पदक दिए जाते हैं, और जब समापन पुरस्कार वितरण के बाद ओलंपिक की समापन की घोषणा होती है। समापन समारोह में क्या होता है कि स्टेडियम में मार्च पास्ट होता है और मैदान के बीच सभी एकत्रित होते हैं। उसके बाद समापन के समय 3 ध्वज फहराए जाते हैं। सबसे पहले यूनान के ध्वज को वहां की राष्ट्रगान की धुन के साथ फहराया जाता है। फिर दूसरे स्थान पर मेजबान देश के ध्वज को वहाँ के राष्ट्रगान की धुन के साथ फहराया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर
अगले देश का ध्वज जहां अगला ओलंपिक होना है उसका फहराया जाता है। तो यहां पे याद रखिए, सबसे पहले ग्रीक ध्वज फहराया जाता है, उसके बाद मेजबान देश का झंडा फहराया जाता है, फिर अगले देश का ध्वज जहां अगला ओलंपिक खेला जाता है। यहां भी कौन सा झंडा नहीं फहराया जाता है, तो विजेता देश का झंडा समापन समारोह के समय नहीं फहराया जाता। कब फहराया जाता है विजेता देश का झंडा? जब पुरस्कार वितरण होता है। आई होप कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और ओलंपिक समापन की घोषणा कौन करता है दोस्तों? IOC का अध्यक्ष करता है, ये भी याद रखिएगा। जबकि ओलंपिक उद्घाटन की घोषणा, शुरुआत करने की घोषणा जो करता है वो राष्ट्रपति, मेजबान देश का राष्ट्रपति या अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने का रिवाज कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों आपको पता ही है 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल जलाने का अधिकार सबसे पहले आधिकारिक रूप से शुरू किया गया, तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों की परिकल्पना किसने की? तो दोस्तों जिस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय बैरन पीरेडी कोबर्टिन को जाता है, इसलिए आधुनिक ओलंपिक खेल के पितामह कहे जाते हैं बैरन पीरेडी कोबर्टिन, उसी प्रकार एशियाई खेलों की शुरू करने का श्रेय डॉक्टर जीरी सोंधी को जाता है, इसलिए जीरी सोंधी एशियाई खेल के पितामह कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल कब खेले गए थे? दोस्तों तो आप सबको पता है 1951 नई दिल्ली में खेला गया था। नेक्स्ट है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एक प्रकार का अस्थि भंग है जिसमें अस्थि का एक भाग, एक पार्श्व भाग टूट जाता है, दूसरा पार्श्व भाग झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों ये ज़्यादातर बच्चों में होता है क्योंकि अस्थियों का विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, लचीलापन उसमें होता है, तो टूटता नहीं, ज़्यादा मुड़ जाता है या झुक जाता है, तो यह अस्थि के विकास में कमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। एंड चोटों के बारे में, फ्रैक्चर के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानना है तो आप स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है दोस्तों, चिरकालिक लंबी अवधि थकान की मात्रा आंकी जा सकती है। तो दोस्तों लंबी अवधि थकान चिरकालिक समय हो गया, इस चीज को मापा जा सकता है रोग विषयक विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, रोग विषयक विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रशांति प्रदान करने वाली औषधि कही जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे डायुरेटिक्स जो है वो शरीर के भार को कम करता है और डोपिंग छुपाने के लिए मदद करता है, और महिलाओं के जो मासिक धर्म होता है उसको डेट चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायुरेटिक्स को मूत्रवर्धक या वेट रिड्यूसिंग दुर्ग भी बोला जाता है। एंड यह नार्कोटिक्स जो होता है वह दर्द निवारक है। नार्कोटिक्स क्या है? दर्द निवारक है। जो पॉपी नामक पौधे से निकले हुए ओपियम यानी ऑफिम से तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत मॉर्फिन, हीरोइन, पैथिडिन, एल्फाक्रोडाइन, एनिलेरिडाइन आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांति प्रदान करने वाली औषधि है उपशामक, एबटोर। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊर्जा की आवश्यकता निर्भर करती है। तो दोस्तों आयु पर भी निर्भर करती है, एक 5 साल का बच्चा, एक 30-40 साल का आदमी कितना खाएगा, कितना ऊर्जा लगेगा, दोनों में अंतर रहेगा, तो आयु पर भी निर्भर करती है। लिंग स्त्री और पुरुष दोनों में, जैसे कि स्त्रियों में आयरन ज़्यादा लगती है मात्रा में और पुरुषों में उसके मुताबिक कम लगता है, ठीक है। तो सारी क्रियाकलाप कितना कर रहे हैं, जो ज़्यादा एक्टिविटी करेगा उसको ज़्यादा ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कम करेगा कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा की आवश्यकता जो है आयु, लिंग, सारी क्रियाकलाप, इन सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो दो प्रकार के होते हैं विटामिन, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, सॉरी दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है बी, सी और एच।
और वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के। कौन है? ए डी ई के। ये हमेशा रटा हुआ क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो याद रखिए, जल में घुलनशील विटामिन है बी सी और एच, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के या कीड़ा के आई के ई डी ए, आप याद कर सकते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तीनों वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, वसा में नहीं है। ठीक है, तो विटामिन बी सी और एच जो है वो जल में घुलनशील है, और ए डी ई के यह है वसा में घुलनशील। नेक्स्ट दोस्तों, किस रोग के आकस्मिक आक्रमण के रोग में शामिल है? आकस्मिक, किसी रोग के आकस्मिक आक्रमण आप यदि होना है तो उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? तो उसमें आपके अवशेष जो कूड़ा करकट होते हैं, अगर रोकना है तो इसको यथेष्ट प्रबंधन करना होगा, इधर उधर फेंकना नहीं है, एक यथेष्ट स्थान पर रखना होगा, और स्वास्थ्य शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाए, शुद्ध जल की आपूर्ति हो, ये सभी चीजें मैटर करती हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, टेंडनाइटिस स्नायु रज्जु शोध है। तो दोस्तों, जहाँ पे टेंडन में जलन, सूजन, इंफ्लामेशन ये सभी आता है टेंडन के आसपास, तो उसको हम टेंडनाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि स्नायु रज्जु का प्रदाह यानी इंफ्लामेशन ऑफ द एचिलिस टेंडन। एचिलिस टेंडन हमारे एड़ी की जो टेंडन होती है, सबसे मजबूत और टेंडन होती है। नेक्स्ट दोस्तों, दशा अनुकूलन है। दोस्तों, दशा अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन यानी अनुकूलन कर लेना उसके प्रति, तो पर्यावरण के प्रति शारीरिक अनुकूलन ही वातानुकूलन है। नेक्स्ट दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन निम्न में से किस आधार पर किया है? तो प्रजाति, परिवार, व्यवसाय, इन सभी आधार पर किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पर पर्यावरण का अवश्य प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, हमारी पर्सनालिटी, हमारी ऊंचाई, बुद्धि, स्वभाव एंड विकास, वृद्धि, ये सभी चीजें अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नेचर और नर्चर। तो यहाँ पे ऊंचाई, स्वभाव, बुद्धि, इसमें पर्यावरण का अवश्य प्रभाव पड़ता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट होगा। अनुवांशिकता भी का भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों, लेकिन पर्यावरण का प्रभाव जरूर पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निश्चय केवल अनुवांशिकता के आधार पर होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बुद्धि और व्यक्तित्व, ये अनुवांशिकता पर्यावरण दोनों पर पड़ेगा प्रभाव, लेकिन जो शारीरिक ढांचा है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो अनुवांशिकता के आधार पर ही होता है। तभी तो हम देख के पहचान जाते हैं कि नहीं, ये उसकी बहन है या इसका बेटा है या बेटी है। तो ये जो शारीरिक ढांचा होता है, उसके आधार पर हम कुछ न कुछ जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उसमें आए रहते हैं, जिसके आधार पर मेजर किया जा सकता है। ये शारीरिक ढांचा ज़्यादातर केवल अनुवांशिकता के आधार पर होता है। नेक्स्ट है, प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दाने पर अनुवांशिकता का प्रसिद्ध प्रयोग निम्न में से किसने किया था? अनुवांशिकता के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने ही सबसे पहले मटर के दाने पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, यह अनुवांशिकता या पर्यावरण नहीं है, परंतु अनुवांशिकता और पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लमले का। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता और पर्यावरण जैसे शब्द किसी मूर्त वस्तु की ओर नहीं बल्कि अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं, यह परिभाषा किसका है? दोस्तों, यह परिभाषा है आर डेविस का। नेक्स्ट है दोस्तों, कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, एनीथिंग। इस बात को कहे थे व्यवहारवाद के जनक वाटसन। नेक्स्ट है, मानव के जननिक लक्षणों के विकास में निम्नलिखित में से
किसका प्रभाव होता है। तो दोस्तों, जो जैनिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है लक्षण, उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिकता कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः स्त्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की मेडुला से निकलने स्त्राव का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो दोस्तों, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है वह मेडुला से निकलता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछना चाहिए था कि एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से कौन सी हार्मोन स्त्रावी होता है, तो वहाँ पे राइट आंसर होता है एड्रेनालिन। लेकिन इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो जो एड्रेनल ग्रंथि होती है हमारे जो किडनी के ऊपर टोपी के समान होती है, और इसके दो भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स बाहरी भाग होता है, मेडुला अंदर के भाग होता है। कार्टेक्स भाग से एड्रेनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स से एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड्स या खनिज नियंत्रण हार्मोन स्त्रावित होता है, और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स सेक्स हार्मोन भी स्त्रावित होता है, और मेडुला भाग से एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अंतः स्त्रावी तंत्र की रचना तथा कार्य का निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, जो हमारी अंतः स्त्रावी ग्रंथि होती है उसे हार्मोन स्त्रावित होते हैं, और हमारी हार्मोन के स्त्राव के कारण ही हमारे शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण और व्यक्तित्व कार्य करता है। तो यहाँ पे शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण और व्यक्तित्व उपरोक्त सभी पर अंतः स्त्रावी तंत्र की रचना का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व को नहीं ढालता है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो दोस्तों, यह कथन है ग्रीन का। दोस्तों, ये था आज के सेशन में 27 एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन कम ही थे बट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, समझने वाले क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। एंड दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अपना कॉन्सिस्टेंसी बनाए रखिए, डेली बेसिस वीडियो प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।